टीगरी बॉर्डर पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये राठी खाप की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। एक बार जो इनके आयोजक इनसे बात करेंगे, यहाँ इसी तरीके से रोज भंडारा चलता है। ये हम आपको मंच भी दिखा रहे हैं कि मंच पे देखिए ये जो लोग हैं यहाँ के, और बताया जा रहा है स्थानीय लोग हैं बहादुरगढ़ के राठी खाप के, इन्होंने ये भंडारा चलाए हुए है। एक बार बात कर लेते, हमारा ये भंडारा चल रहा है 26 तारीख से, जिस दिन चालू हुआ। हाँ जी, 26 जनवरी से। हाँ, 26 दिन से, 27 तारीख का वो था बैठक, उसी दिन से चल रहा है, उसी दिन से चल रहा है। हाँ जी, लोगों का रोज यहाँ खाना बनता है, यार 2000 लोगों का रोज खाना बनता है। हाँ, तो ये स्थानीय लोग हैं जो भंडारा चला रहे हैं। हाँ, स्थानीय राठी खाप। तो जिस तरीके का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि स्थानीय लोग तो है ही नहीं इनमें। नहीं जी, ये स्थानीय, ये है जी राठी खाप का भंडारा है, जटवाड़ा, साखोड़ गांव, बरनाड़ा गांव, इन गांवों का भंडारा है ये। यहाँ ये राठी खाप का भंडारा है, और जी यहाँ सारे राठी भाई, सारा 36 बिरादरी बैठी है यहाँ पे। तो देखिए 36 बिरादरी का है, और ये हम आपको जो दिखा रहे हैं, क्योंकि आज HR न्यूज पहुंचा है टीकरी बॉर्डर, हम आपको दिखा रहे कि जाहिर है तमाम जो लोग हैं, आंदोलन अब और तेज हो गया जो 26 जनवरी का घटनाक्रम था उसके बाद। बाबा क्या कहेंगे, कितने कहाँ कहाँ के लोग हैं इसमें सारे? यहाँ हमारे 5 गाँव लगते हैं राठियों के, वो 6 गांव लगते हैं, 6 गांव का 36 बिरादरी का ये भंडारा है, और 2000 आदमी यहाँ डेली खाना खाते हैं, और सुबह से शाम तक चाय बिस्कुट ये चलती हैं, नाश्ता भी चलता है। और बोलो, एक ये कहा जा रहा है कि इसमें किसान नहीं है स्थानीय जो, ऐसा है वो जो BJP के आदमी है वो प्रचार कर रहे हैं कि तो उग्रवादी है, ये किसान नहीं, यहाँ सारे किसान बैठे हैं, जमींदार आदमी है, एक भी ऐसा नहीं है जो किसान ना हो। जितनी आपकी कितनी उम्र हो गई हो? 82 साल। 82 साल की उम्र में आपने कभी ऐसा आंदोलन देखा है? नहीं देखा। क्या आपको ये अध्यादेश समझ में आ गया, क्या है ये? हाँ, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप खिलाफ में? हाँ बिल्कुल खिलाफ है। हमें मोदी कह रहे हैं ना, हमारे को बतवा मजदूर बढ़ाने जा रहा है, हमारी जो दादा लाई जमीन थी उसको हड़पना चाह रहा है, और सरमाएदारों को पालना चाह रहा है। ये सरमाएदारों की ये पार्टी है, ये BJP बहुत जलील पार्टी, भाजपा भारत जलाओ पार्टी। अरे मत छेड़ किसान को, तुझे लड़ना नहीं आएगा, ऐसा इतिहास रच देंगे कि तुम्हें पढ़ना भी नहीं आएगा। ये देखिए, हम आपको जो दिखा रहे हैं कि भंडारा, तमाम जो लोग हैं यहाँ 36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं, ये महिलाएं सभी गांव से आई हुई है। मेरा धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से कितनी दूर तक, ये हम तो रेवाड़ी से आए हैं, हम महम से आए हैं, कितनी दूर तक ये लगा हुआ है? ये जी बहादुरगढ़ में है, अगर अंदर वाले शहर रोड पे देखोगे तो ये है बस अड्डे तक, और जब बाईपास पे जाओगे तो ये है जाखोदे तक जी। हाँ जी, ये कम से कम 14-15 किलोमीटर का एरिया पड़ता है बाईपास। ये जानना चाह रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत को उस दिन उठाने की बात थी 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद, और जब जिस तरीके से वहाँ दिल्ली में हुआ, क्या उसके बाद लोग ज़्यादा जागरूक? देखो जी, राकेश टिकैत जी ने बहुत अच्छा काम किया, वैसे हम तो यही कहेंगे, और उस दिन जो पुलिस उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, उसकी सहानुभूति लगा लो, या फिर किसानों ने अपने हक की लड़ाई में भी जागरूक हुआ है, इन्होंने पता लगाया कि बिल की क्या कमियां हैं क्या अभी, नहीं अभी है जिस तरीके से बड़े बड़े किले गाड़े जा रहे हैं, ओड़ गाड़े जा रहे हैं, ये तो जी देखो किसान तो ऐसा ज़बरदस्ती तो कोई घुसेगा नहीं, ये तो गवर्नमेंट वैसे तो यानी पब्लिक को डरा रही है कि कुछ भी भाई ये किसान है आ जाएंगे अंदर खा जाएंगे, ये सब इंसान है, ये किसी को नहीं खाएगा इंसान। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में कोई भी जा सकता है, कोई भी वहाँ पर रह सकता है, ये कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। गवर्नमेंट काम का ही पब्लिक को डरा रही है, रास्तों को अवरुद्ध कर रही है, रास्तों को खोलना चाहिए, किसान भाई एक रास्ते बैठे हैं, दूसरा रास्ता खोल दो, पब्लिक आए जाए जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, ना बेरोजगारी हो, कंपनियां हैं वो सुचारू रूप से चले, ये जानबूझ के इनको अवरुद्ध कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। बाबा ये बताइए, आपने देखा है किस तरीके से हम देख के बड़े बड़े तार फेंसिंग करते हैं, ऐसा है जी क्या नहीं, किसान डरे हुए नहीं है बिल्कुल भी, एक रास्ता ये बंद किया है ना उन्होंने, लेकिन 1000 रास्ते हैं कच्चे, हम पद यात्रा करेंगे, उसका समय भी रखेंगे। 6 तारीख की कॉल दी हुई है, और 6 तारीख को तो भारत बंद करेंगे, भारत बंद 6 तारीख को भारत बंद करेंगे। और इसने बड़ी मीठी मीठी बातें बढ़ाई, बड़े मोती पिरोए, बड़े
बड़े लुभावने भाषण दिए जब ये कर... आपकी जेजेपी आज भी सरकार के साथ और जो जेजेपी का बहिष्कार कर दिया, सारे खत्म है हरियाणा से, उसका बहिष्कार कर दिया लोगों ने। पंचायत है आज कंडेला काप में, बहुत जबरदस्त पंचायत है, कई लाख जींद में कई लाख आदमी जुड़े हुए हैं, टिकेत साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसने लुभावने जो भाषण दिए, ने कहा था अरे चंदा चकोर चांदनी मोती पिड़ो रहा, अरे मोदी तेरे को वोट देकर ये सारा देश रो रहा। आप कुछ कहेंगे जिस तरीके की स्थिति सामने निकल के आई है, 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद दोबारा से मोर्चा खड़ा हुआ है, पहले एक बार लगने लगा था देश का स्टीम मीडिया आपको दिखा रहा था कि आंदोलन खत्म होने वाला है। 26 तारीख का जो घटनाक्रम था वो सरकार का दुष्चक्र था और सरकार की ही एक उसमें ये कार्रवाई थी, सोची समझी उनकी चाल थी, जिसके कारण से आपस में जितने भी संगठन जुड़े हैं वो उनमें भेदभाव हो जाए, मनमुटाव हो जाए और हिंदू सिख पे जाके ये अलग हो जाए, उनको अलग अलग करने की सरकार की एक मंशा थी। ये सरकार को उल्टा पड़ गया और मजबूत हो गया, ये अब मजबूती के साथ दोबारा से वापस आ गए हैं। हमारे ऐसा तो नहीं है झुक जाओगे टूट जाओगे, अरे ना झुकेंगे ना टूटेंगे, सिर कटा सकते हैं हम, सिर झुका सकते नहीं, और हिंदू से मुसलमान बन नहीं सकते हम। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम शांति के साथ अपना आंदोलन करेंगे, हाथ जोड़ के हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने रास्ते नहीं रोके हुए हैं, रास्ते खुद गवर्नमेंट रोक रही है, बजट भी आया और बजट आया है बिल्कुल घटिया, कोई चीज देश के खिलाफ बजट आया है, देश के लिए बजट नहीं आया। ये भाई बजट में तो सारा प्राइवेट ही किया है, प्राइवेट किया है गवर्नमेंट ने, मतलब आपका जी बजट मोदी घर घर मोदी करते थे। नहीं जी मोदी को देखो जी, मोदी जी ने किसान की सुनी नहीं, किसान उसको कितने चाव से लेके आया था, सरकार बनवाई थी, उल्टा हो गया किसान की आय दुगनी करने की बजाय किसान की तो आय खत्म हो जाएगी, पहले ही किसान मरया पड़ा है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से भंडारा लगा, कैमरा पर्सन से एक बार फिर शॉट दिखाए और ये देखिए तमाम जो यहाँ कारवा इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो आंदोलन पहले था उससे भी कहीं ज्यादा आंदोलन अब ये बढ़ता जा रहा है। ये टिकरी बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।